Is it there? What do you mean by एटॉमिसिटी एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 9th बी प्रशांत. अगर इसने नहीं बताया तो प्रशांत विल गेट रेडी. यस कहां पर चले गए बेटा हर्षप्रीत. नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन नंबर्स नंबर ऑफ ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज अ राइट आंसर तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने मुझे ओजोन की एटॉमिसिटी बतानी है. डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ ओजोन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन. O3. सो इट्स एटॉमिसिटी इज थ्री थ्री बिकॉज इसमें तीन एटम्स ज्वाइन हुए हैं टू मेक अ सिंगल मॉलिक्यूल. ठीक है कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू मेक अ मॉलिक्यूल उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं. तो सल्फर की कितनी होती है बेटा. व्हाट इज एट. S8. फॉस्फोरस फोर तो विच वन इज द राइट आंसर. फॉस्फोरस इज P4 एंड आर्गन. आर्गन बस अकेला ही होता है. इट इज ए आर. आर्गन न्यूट्रल क्या होता है. आर्गन इज अ न्यूट्रल न्यूट्रल. नोबल न्यूट्रल तो सारे ही है. न्यूट्रल जब तक ये गेन या लूज नहीं करेंगे जब तक ये आयंस नहीं बनाएंगे एवरी एटम इज न्यूट्रल. ठीक है न्यूट्रल नहीं. आई थिंक आप नोबल गैस और न्यूट्रल में कंफ्यूज हो रहे हो. इट इज अ नोबल गैस जिसको हम बोलते हैं दिस इज इनर्ट और इनएक्टिव गैस. ठीक है ये कंबाइन नहीं होती है. ये ना तो कुछ लूज करती है ना ही कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है. मीन ये कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन नहीं करेगी. राइट जो भी कोई भी नोबल गैसेस हैं दे विल नॉट फॉर्म एनायन और कैटायन. ठीक है बच्चे इज दिस क्लियर. इस ऑप्शन के साथ लिख लो जहां पर वर्कशीट में आर्गन लिखा है तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन ऐड कर लो. इट इज अ नोबल गैस और इनर्ट गैस इनएक्टिव गैस. और थर्ड पॉइंट डू नॉट फॉर्म एनायन और केटायन. डन बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है फोर्थ वन. ठीक है एटॉमिसिटी आई थिंक पता लग गया सबको. सिंपली आपको पता क्या होना चाहिए एटॉमिसिटी के लिए इनके फॉर्मूलास. जो भी चीज है सल्फर का सिंबल होता है S. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंबल. मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एक मॉलिक्यूल अगर मुझे सल्फर का बनाना है मुझे एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाना है उसको हम क्या बोलते हैं कि मुझे कितने सल्फर मॉलिक्यूल चाहिए. आप एक कॉपी लेते हो कोई भी बुक लेते हो एक सिंगल जो पेज है कॉपी का वो सल्फर है. पूरी कॉपी के सारे पेजेस मिला लोगे तभी कॉपी बोलोगे ना उसे. एक सिंगल पेज पेज है बट उन्हीं पेजेस को जब आपने इकट्ठा कर करके बना लिया कुछ तो उसको हम कॉपी नोटबुक बुक फिर उसको हम नाम बदल देंगे. उसका बना वो किससे है एटम से. सल्फर के कितने एटम लगे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए. 8. ओजोन में कितने एटम्स जुड़े 3. फॉस्फोरस के लिए मुझे कितने चाहिए बोलो 4. ठीक है तो जहां पर 3 होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक. ठीक है 4 को क्या बोलेंगे हम टेट्रा. एट्रोटॉमिक।
एट का एक मिनट छोड़ा है, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है? टेट्रा एटॉमिक एंड सिंगल वाले को क्या बोलते हैं हम? मोनो। मोनो अटोमिक, टू वाले को क्या बोलेंगे? डाई डायटोमिक, एटॉमिक। एट वाला जिसके पास फोर या फोर से ज्यादा हो उनको हम क्या बोल देते हैं फिर? पॉली अटोमिक, पॉली एटॉमिक। आपको पता है साइंस में पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन मैनी, ठीक है? आपने किसी क्लास में, आई थिंक एट्थ क्लास में साइंस में कहीं पे पढ़ा होगा पॉलीमर्स के बारे में, सेवेंथ या एट्थ में पढ़ा था, प्लास्टिक यस। वाले चैप्टर में आता है ये, जो प्लास्टिक का सारा डिस्कशन होती है जिसमें, तो वहां पे पॉलीमर्स आता है। इस पॉली का मतलब ही क्या है? मैनी, ठीक है? मैथ्स में भी पढ़ते हो ना पॉलीनोमियल्स, पढ़ते हो ना या नहीं पढ़ते हैं? तो वहां पे भी पॉली का मतलब मैनी ही है। पॉलीनोमियल्स, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन इन एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब मैनी टाइम एक्स, ठीक है? क्लियर हुआ? यस डिस्कस करना चाह रही मैं, नहीं तो मैं आपको वो भी टॉपिक बता देती हूँ, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की पूरी डिस्कशन हमने कर ली है, हमने एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ समझ लिया। नेक्स्ट हम समझेंगे एनायन एंड केटाइन्स के बारे में। केटाइन्स और एनायन क्या होते हैं और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? केटाइन एंड एनायन कैसे याद रखोगे? सबसे पहली बात, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। आपने इसके लिए एक लाइन याद रखनी है, वैसे तो एनाइन के लिए भी है, बट अगर एक याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप ही याद आ जाएगी। कैट हैज पॉज, ठीक है? कैट से कैटायंस, पॉज से पॉजिटिव। कैटाइन इज पॉजिटिव, अगर कैटाइन पॉजिटिव है तो एनाइन नेगेटिव होगा, दोनों तो पॉजिटिव होते नहीं है, ठीक है? कैटाइन हैज पॉज, कैट हैज पॉज मींस कैटाइन्स आर पॉजिटिव, ठीक है? क्योंकि बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पॉजिटिव कौन सा था, नेगेटिव कौन सा था, तो जस्ट आपने फटाफट सोचना कैट हैज पॉज, तो कैटाइन्स आर पॉजिटिव। कैटाइन्स पॉजिटिव पता लग गए तो एनाइन भी पता लग गए, एनाइन्स आर नेगेटिव, ठीक है? तो कैटाइन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड एनाइन्स आर नेगेटिव चार्ज। आप में से एटॉमिक नंबर्स किस किस ने लर्न किए हुए हैं? ओके, वेरी गुड। एट्थ एफ में से ही हैंड्स रेज हुए हैं, बाकी क्लासेस? ओके, नाइन्थ बी में से फ्यू स्टूडेंट्स। बेटा एटॉमिक नंबर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट लर्निंग द एटॉमिक नंबर यू विल कंटिन्यू टू क्रैम द केमिस्ट्री, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री एट ऑल, ठीक है? जैसे एबीसी सीखे बिना वर्ड्स बनाना नहीं सीख सकते, सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते, ऐसे ही एटॉमिक नंबर्स के बिना केमिस्ट्री नहीं चलेगी। यू नीड टू लर्न एटलीस्ट फर्स्ट एटॉमिक नंबर, कि कोई भी चलता फिरता कहीं पे भी पूछ ले और उसी वक्त आंसर मिल जाए, ठीक है बच्चे? टुमारो अगेन आई हैव द क्लास एंड आई विल लिसन द एटॉमिक नंबर्स। आपके डेस्क पे कुछ नहीं होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, कॉपीज बंद होंगी, बुक्स बंद, एंड देन आई विल लिसन, ठीक है? तो फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स यू शुड रिमेम्बर। एनायंस एंड कैटायंस की फॉर्मेशन का बेसिस भी हमारे एटॉमिक नंबर्स हैं। जैसे कि सपोज करो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ NaCl, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोडियम है इट इज पॉजिटिव चार्ज्ड एंड क्लोरीन क्या है? निगेटिवली चार्ज होता है, राइट? पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज मीन्स सोडियम इज कैटाइन और एनायन. कैटाइन एंड क्लोरीन इज एनायन. एनायन. ठीक है, एक सौ चीज आपको ये पता होनी चाहिए. आपको कोई भी फॉर्मूला देकर पूछ लेंगे कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है और नेगेटिवली चार्ज कौन सा है. सेकेंडली, आपकी बुक के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर आपको वैलेंसीज गिवन है आप सबके पास. थर्ड चैप्टर के नीचे बॉटम पर दे रखा होगा एक पेज पे वैलेंसीज, जिसमें लिखा होगा इस तरीके से, सोडियम पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज. ऐसा टेबल बना हुआ है. फिर टू वाले शुरू हो जाएंगे आपके, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू है ऐसा. इसमें शायद कॉपर भी होगा एक ऊपर, कॉपर है. यस और नो. ठीक है बच्चे, कुछ आपको ये वैलेंसेज भी लर्न होनी चाहिए. ठीक है बच्चे, अभी हम करते हैं साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला की. थोड़ा सा बस ये नाइन के टाइम का समझा दो, क्योंकि अगर आपको ये वैलेंसेज पता होगी तो आप फॉर्मूला देखते ही बता दोगे कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है. सपोज करो मैंने फॉर्मूला लिखा एम जी ओ, व्हाट इज दिस फॉर्मूला कॉल्ड, व्हाट इज द नेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैं पूछ रही हूं कि इसमें एनायन कौन सा है और केटाइन कौन सा है, तो आपको वो टेबल याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम के साथ कौन सा साइन था और ऑक्सीजन के साथ कौन सा साइन था. लुक एट योर टेबल. अभी आप बुक को रेफर करो, चीजों को समझो, लर्न भी करना है साथ साथ में. सबके डेस्क के ऊपर बुक हो अपनी अपनी, ओपन कर लो बुक्स, वो टेबल निकालो एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर सो देट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. ठीक है, देखो मैग्नीशियम के ऊपर कैसा साइन है, जल्दी से बताओ मुझे. पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है, टू टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड. तो ये पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं. केटाइन, अब आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा साइन है, माइनस टू. तो ये क्या बना हमारा, एनाइन बना. माइनस समझ आया. केटाइन का मतलब क्या होता है बेटा, केटाइन मीन्स क्या होता है, केटाइन कब बनते हैं, व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, कम हो जाते हैं किसी के शेल में, तो वो क्या बनाते हैं. आपने फोर्थ चैप्टर कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटेड, तो नहीं, हाँ ओके. मैं उसी से लिंक करना चाह रही थी. चलो एनी हाउ, देखो केटाइन कब फॉर्म होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव, आर लॉस्ट. और एनायन कब बनते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ये गेन. ठीक है, इनका भी रीजन होता है क्यों लूज हो रहे हैं, क्यों गेन हो रहे हैं. फिलहाल आप इतना ही समझो, केटाइन लॉस्ट होने से बनते हैं. जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. तो इसके अच्छा आपने फोर्थ किया नहीं ना अभी चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की है क्लास में. थोड़ा सा मुझे आइडिया दो ताकि मैं उस तरीके से आपको लिंक करके समझा सकूं कि आपने क्या क्या टॉपिक कर रखे हैं. हैव यू डिस्कस्ड डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैम स्टार्टिंग वाला करवा दिए तक. ओके, फिर इसको रहने दो बेटा, हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना ही समझ के चलो, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट भी हो सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए जा सकते हैं. तो जिन एलिमेंट्स के ऊपर आप अपनी बुक में पॉजिटिव चार्जेस देख रहे हो, पॉजिटिव साइन देख रहे हो, इट मीन्स वो सभी क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. जिसके ऊपर वन पॉजिटिव साइन है
उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? वन वन। जिसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? टू। सिमिलरली जिसके ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। सिमिलरली विद द नेगेटिव साइन, जिसके ऊपर वन नेगेटिव साइन है इट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं? वन। जिसके ऊपर टू साइंस है, जिसके ऊपर टू इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसने, जिसके ऊपर थ्री नेगेटिव साइंस है थ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। राइट बच्चा, तो इसी तरीके से हमारी वैलेंसीज बनेगी। तो अब अगर आपको पूछा जाए कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है, तो आपने वैलेंसीज को दिमाग में रखना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव था किसके ऊपर नेगेटिव था। जनरली जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ये पॉजिटिव होते हैं, और जो ये पी बाद वाला होता है ये नेगेटिव होता है। इट इज ट्रू फॉर 99.9% केसेस। ठीक है, समझ आई ये चीज? रेंडमली मैं कुछ भी आपको दे दूं, आपको मैंने दे दिया AgCl, आपको नहीं पता इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो रेंडमली आप देख सकते हो कि जो आगे है वो पॉजिटिव होगा और जो पीछे वाला है वो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चे, चले बेटा आगे, रब कर दूं इसको या कोई नोट, चल इस साइड से जाते। अब हम एक बार बेटा फॉर्मूला फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि फॉर्मूला फॉर्मेशन आप थोड़ा सा समझ लो चीजों को। वेलेंसेज का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा आपको? एनायन कैटायन का कॉन्सेप्ट समझ आया? तो आपने भूलना नहीं है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। फर्स्ट थिंग, कैट के पास क्या है? कैट पॉज। तो कैटायन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है अच्छा, अब आपके बुक में बेटा जो टेबल है उसमें क्या है? Na+ में कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। Mg+2, कैल्शियम+2, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम+3। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा फ्लोराइड। अच्छा एक चीज और आप नोट करो, अगर F नेगेटिव नहीं होता सिर्फ F होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता? फ्लोरीन। क्या बोला जाता? फ्लोरीन। तो NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड? सोडियम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन। क्लोराइड, तो मतलब क्या है, जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव साइन होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, वो बन जाएगा फ्लोराइड, वो बन जाएगा क्लोरीन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा, ब्रोमाइड। ऑक्सीजन के ऊपर टू नेगेटिव ये बन गया ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर -3 साइन होता है, इसको हम नाइट्रोजन ना बोलकर क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। मतलब अगर देखो तो सबके साथ क्या अटैच हो चुका है? आइड लग चुका है। एच नेगेटिव, वन की एक और होती है नीचे लिख लेती हूँ। एच नेगेटिव, एच है तो हाइड्रोजन, नेगेटिव है तो हाइड्राइड। अगर एच पॉजिटिव होगा तो इसको हम सिंपल हाइड्रोजन बोलेंगे। एच दोनों तरीके से आता है बेटा, हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एनायन भी बना सकता है और केटाइन्स भी बना सकता है। ठीक है, इट कैन कम इन योर एग्जाम, नेम एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म बोथ एनायन एंड केटाइन्स। कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों चीजें बनाते हैं, तो इट इज ओनली हाइड्रोजन। राइट बेटा, क्लियर हुआ? यस।
चलो इसके बाद कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी आते हैं, जैसे कि सबसे पहले अमोनिया, NH4। पॉलीएटॉमिक आयंस की पूरी एक लिस्ट देखो आप, क्या अमोनिया के अलावा कोई और पॉजिटिव साइन में है? चेक इन योर बुक्स, क्या अमोनिया के अलावा कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन पॉजिटिव साइन के साथ है? तो याद रखना आसान हो गया कि पॉलीएटॉमिक आयन में जब भी अमोनिया दिखेगा तो उसका तो पॉजिटिव ही होगा, और वो सबसे टॉप पर था बुक में, आपके सबसे टॉप पे है टेबल में, तो टेबल में जब टॉप वाला नंबर है तो वो 1 से शुरू होता है। आपको वैलेंसीज इसी ऑर्डर में दी गई है, तो कुछ कुछ चीजें बेटा आप एक लॉजिक से याद रख सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको क्रैम ही करनी है, हर चीज याद करनी है। कुछ चीजें लॉजिक से याद रखो, कुछ याद करो, ठीक है, कुछ समझो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, आप इसे पेयर याद रखो कि 1 1 वाले कौन से हैं, 2 2 वाले कौन से हैं। 1 और 2 के तो ये थे, इसके अलावा कोई भी आया तो 3 वाला रह गया। ठीक है, तो आपका जो लोड है लर्न करने का वो कम हो जाएगा। ये आ गया, फिर OH नेगेटिव, इनको पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रहे हैं? पॉली मीन्स अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली, बताओ। मैनी पॉली मीन्स मैनी, राइट? यस ठीक है, कोई रह गया होगा तो बता देना बेटा मुझे, मैं अपनी तरफ से तो सारे ही लिख रही हूँ। ठीक है, इनके नेम्स देखो। फर्स्ट वाला अमोनिया, सॉरी अमोनियम, नॉट अमोनिया, इट इज अमोनियम। OH पॉली मीन्स मैनी, देखो ये मोर देन 1 एटम से मिलकर ये सारे क्या बने हुए हैं, हमारे आयंस बने हुए हैं। दीज आयंस आर मेड फ्रॉम मोर देन 1 एटम, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। समझ आई ये चीज? दिस इज अमोनियम, OH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड हाइड्रो, पहले आ रहा है, ऑक्साइड वर्ड बाद में आ रहा है, ध्यान में रखना लिखना उल्टा है। ऑक्सीजन पहले लिखा जाएगा, H बाद में लिखा जाएगा। NO3 माइनस हाइड्रेट नाइट्रोजन, ये क्या होता है, फोलेट, कार्बोनेट या फिर इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। दोनों तरीके से ये आ जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो करेक्ट है ही, इसका अदर नेम बाइकार्बोनेट भी होता है। ये क्या है, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। कार्बोनेट अब आप देखो ध्यान रख सकते हो ना कि ये सब +1 के हैं, सॉरी -1 साइन सब, इसमें अमोनिया पॉजिटिव है, बाकी 3 हमने किए नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, आप एक ये सिंगल वाला याद रख लो कि PO4 फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव होता है। आपने माइनस वाले 1 वाले याद कर लिए, -3 वाला याद कर लिया, जो रिमेनिंग जो भी आए आया पॉलीएटॉमिक में वो क्या होगा आपका, -2 वैलेंसी वाला होगा, राइट बच्चे? याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी वैलेंसीज याद करते हुए, याद करते हुए होगा, बट जब इनको प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इन सबकी वैलेंसीज -2, लास्ट में वाले में -3, और ऊपर इन सब में -1। इतना क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट द फॉर्मूलास। ठीक है, एक टेबल दिया गया आपको विद वैलेंसीज, एंड नीचे क्वेश्चन है, यूज दिस इंफॉर्मेशन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला आपको दिया हुआ है फॉर्मूला सोडियम फॉस्फेट का, कैन एनीवन राइट?
ध्यान से समझो बेटा, जिनको ऑलरेडी याद है बहुत अच्छी बात है, ये क्लासेस किसके लिए चल रही हैं? जिनको आते हैं वो इम्प्रूव कर सके और जिनको नहीं आता वो समझ सके चीजों को। सो बी अटेंटिव, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है सोडियम फॉस्फेट। अच्छा एक काम और करो बेटा, जितने भी आपके पॉलीएटॉमिक आयंस है ना, कीप देम इन ब्रैकेट। आपने इनको ब्रैकेट्स के साथ ही लर्न करना है, विदाउट ब्रैकेट आपने इनको लर्न नहीं करना, ठीक है। ऊपर वाला नंबर क्या है, इनकी वैलेंसी है, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कैसे है, समझो एक बार। सोडियम का सिंबल इज Na एंड फॉस्फेट का सिंबल इज PO4 एंड कीप इट इन ब्रैकेट, साथ के साथ ब्रैकेट डालनी है। दिस इज द रूल कि यू शुड कीप द पॉलीएटॉमिक आयंस इन ब्रैकेट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट देयर वैलेंसीज। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम बताइए? पॉजिटिव वन वन। एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट? थ्री नेगेटिव माइनस टू। बट ड्यूरिंग द फॉर्मूलाज वी डोंट नीड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। नाउ सिंपली क्रॉस दीज वैल्यूज। वैसे तो काफी कुछ कर रखा होगा, बट अगर कुछ नया मिल रहा है तो नोट करते जाना। अब ये थ्री कहाँ चला गया? यहाँ पे, और ये वन चला जाएगा ब्रैकेट के बाहर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया बेटा, Na3 PO4। अब समझो, पहले सुनो फिर करना, अब बाकी क्योंकि आपने खुद से करने हैं। PO4 वन, वन के लिए क्या मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी? आई डोंट नीड ब्रैकेट फॉर वन, सो आई कैन रिमूव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है बच्चे। जैसे मैथ्स में हो, आपके पास एक इक्वेशन हो 2x+5, बाहर वन हो, तो डू यू नीड टू अप्लाई वन हियर? जरूरत हाँ वन की नहीं है ना, तो वन की जरूरत नहीं है, तो वन की ब्रैकेट भी हटा सकते हैं और वन को भी हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ आया बेटा। नेक्स्ट है आपका अमोनियम सल्फेट। पहले थर्ड वाला देख लो बेटा, एक मिनट, थर्ड वाला देख लो। ये कर लिया सबने, यस यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी। फ्रॉम कौन बताएगा मुझे? नाइन्थ सी से निशांत वीर। नाइन्थ सी निशांत वीर, अगर वो एब्सेंट है या नहीं है तो हरमन फ्रॉम नाइन्थ सी। पहले निशांत देन हरमन। विद विच सेक्शन नाइन्थ सी इज मर्ज्ड? एलसीएम हाँ जी बेटा, ये ओएस टू ये किसने बताया मुझे? ओके नाइन्सी हरमन और निशांत कहाँ पर है? एब्सेंट एब्सेंट है, चलो गुड बिट, वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। सिर्फ उनके लिए समझा रही हूँ जिनको शायद ना आता हो, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल इज Ca एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल, दिस वन हाइड्रोक्साइड। तो ओ एच एज इट इज पॉलीएटॉमिक, कीप इट इन ब्रैकेट। नाउ कैल्शियम, द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2 एंड कैल्शियम ऑफ हाइड्रोक्साइड इज -1। तो हटा +1 और माइनस साइंस को, प्लस और माइनस को, सिंपली क्रॉस इट। वन विल गो हेयर एंड टू विल मूव दिस साइड, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास?
CA1, वन लिखने की जरूरत नहीं होती, दिस इज द फॉर्मूला, राइट बेटा? चलिए अब मुझे जल्दी से सेकंड और फोर्थ वाला करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड एंड फोर्थ पार्ट जल्दी से। अपना अपना बेटा, डन बच्चे। यस, नाइन्थ डी हरमनजीत सिंह, नाइन्थ डी हरमनजीत सिंह, इज ही प्रेजेंट? नहीं तो फ्रॉम नाइन्थ डी अरमान शर्मा, हाँ जी बेटा। चलो आंसर बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? ये और बता दो, लेड ब्रोमाइड का बता दो, अगर अमोनियम सल्फेट का नहीं आता तो। आवाज नहीं आ रही बेटा, आर यू स्पीकिंग समथिंग? तो रेज योर हैंड्स अगर कुछ बोल रहे हो तो। आर यू स्पीकिंग समथिंग? दांत दिख रहे हैं बस आपके हंसते हुए के। अब सबके दिखने लग गए। चलो गो बैक टू योर सीट बेटा। एनीवन फ्रॉम नाइन्थ एफ? मैम अमोनियम सल्फेट का है NH4(2SO4). वेरी गुड, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का हो गया बेटा NH4 और सल्फेट हो गया SO4, दोनों ही पॉलीएटॉमिक है तो दोनों को ही ब्रैकेट में कर दो। अमोनियम का +1, सल्फेट इज -2, क्रॉस कर दो तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर, तो ये बना NH4, ये लिख लो बेटा, एंड SO4, क्योंकि उसमें 1 है तो हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। एंड व्हाट अबाउट लेड ब्रोमाइड? मैम PbBr2। लेड ब्रोमाइड, लेड हैज वैलेंसी ऑफ +2, ब्रोमाइड ऑफ -1, क्रॉस इट यू विल गेट PbBr2, दीज आर द फॉर्मूल। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ कीजिए बेटा जल्दी से, डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एनाइन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड? नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली। तो नेगेटिव चार्ज कब बनता है, गेन करने से या लूज करने से? गेन। गेन। सो एनाइन हैज मोर इलेक्ट्रॉन, इक्वल और सेम? और इक्वल और लेस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने गेन किया है?
देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम मोर और इट विल रिमेन इक्वल। तो मोर एनाइन में जिस एनाइन के पास अगर पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसके पास कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, आई टेल यू हाउ। वो समझ आ गया था पहले मैंने बताया था गेन और लूज वाला। ठीक यस है, देखो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है ओ। इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ठीक, 8 है। अब जो ऑक्साइड है उसके ऊपर कितना साइन होता है? -2। ये आपने पढ़ा, -2 का मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ये समझ आया? ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 2। अगर 2 गेन किए तो पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8। अगर 2 गेन कर लिए तो आप कितनी हो जाएंगे उसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पहले उसके पास 8 थे। तो नेगेटिव साइन वाले क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है? दे आर एनाइन। तो एनाइन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एनाइन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। ये 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। ठीक है, जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो अब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हो गए? 8 प्लस 2। 8 तो उसके अपने थे, 2 उसने गेन किए क्योंकि उसकी वैलेंसी -2 है, आपने पढ़ा है। तो इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो अब उसके पास कितने हो गए? 10। तो एनाइन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैटाइन क्या होगा? कैटाइन विल हैव मोर, लेस और इक्वल। प्लस जैसे कि कैटाइन, कैटाइन में सब अपोज करो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और जब सोडियम लूज करता है तो वो क्या बन जाता है? Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 दे दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास? 10। तो पहले कितने थे? 11, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 थी। प्लस का मतलब होता है लूज करना। यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट चलता है बेटा, इसका भी रीजन होता है। लूज करने से पॉजिटिव चार्ज, गेन करने से नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखना। ऑपोजिट है ये, फिर हम कभी किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, 11 माइनस 1 10। तो कैटाइन है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट बच्चे, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? क्लियर हो रहा है? जिसको क्लियर हो रहा है जस्ट रेज योर हैंड। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, सिर्फ क्लियरिटी हुई है। यस है, 9th है। हाँ यस मैम, जी बेटा, किसी को नहीं क्लियरिटी हुई, सबको कंफ्यूजन है। तो क्लैरिटी हो मैंने बोला हैंड रेज करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जिनको समझ आ गया, राइट? यस, 9th D। ओके, किसी को कुछ अलग से पूछना है, समझना है, जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। आई नो दैट द थिंग्स आर लॉट ऑफ, तो हो सकता है किसी किसी को कंफ्यूजन हो अभी किसी कॉन्सेप्ट में। किसी ने कुछ भी पूछना है, जस्ट डोंट हेजिटेट। ठीक है, कुछ पूछना है तो कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। नो वन? चलिए, यहां तक क्लियर सबको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एन एलिमेंट वाई हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, राइट द फॉर्मूला फॉर इट। क्लोराइड, ऑक्साइड। बेटा वैलेंसी ऑफ 4 की जगह ना वैलेंसी ऑफ 3 कर लो बेटा, वैलेंसी ऑफ 3 कर लो। ठीक है, वैलेंसी ऑफ 3 करो। और अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस,
एक पार्ट समझा दूं, ठीक है? आपको बेटा कोई भी एक एलिमेंट दिया गया जिसकी वैलेंसी है 3, एक एलिमेंट वाई, ये एलिमेंट वाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है वो कुछ भी हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, हमने यही दो पढ़े हैं वैलेंसी 3 के साथ, ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम। बट हमें यहाँ बताया नहीं गया है कि ये क्या है, हमें सिर्फ बताया गया है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इज 4, ठीक है? तो वाई हैज वैलेंसी ऑफ 4। अब मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है क्लोराइड के साथ, क्लोराइड लिख दिया, क्लोराइड की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, -1, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रॉस 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर, तो ये फॉर्मूला बना YCl4। अच्छा मैंने 4 लिख दिया, 3 कर दो, ठीक है, ये बना आपका स्वीट, ठीक है बच्चे, समझ आया ये? आगे लिखिए जरा, इसी का ऐसे ही लिखते जाना है। अब वाई की वैलेंसी 3, ऑक्साइड मींस ओ, उसकी वैलेंसी लिखो एंड क्रॉस करके दिखा दो, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सारे पार्ट्स। हाँ जी बेटा, डन, गुड। यस यस, राजवंश फ्रॉम 9th E, राजवंश फ्रॉम 9th E, हाँ जी बेटा। ऑक्साइड का क्या बना बेटा फॉर्मूला? ऑक्साइड बताइए, जी बेटा बोलो, वाई बिल्कुल ठीक है, Y2O3, सल्फेट के साथ बताओ क्या बनेगा, Y2O3 इज करेक्ट, सल्फेट के साथ बताइए क्या बनेगा, Y2SO4 ब्रैकेट 3। नहीं मैंने राजवंश से ही पूछा था, राजवंश स्टे हियर, तो ये क्रॉस हो गया, तो ये क्या बना, Y2O3। थर्ड पूछा गया वाई का सल्फेट के साथ, सल्फेट इज SO4, हाँ जी राजवंश बताइए जरा जल्दी से, चलो बता नहीं रहा कोई। बेटा क्यों इतनी डिस्टरबेंस है आपकी क्लास में 9th B? टीचर प्लीज थोड़ा सा इनको देखिए, बहुत ज्यादा आगे पीछे देख रहे हैं बच्चे सभी, नाइन्थ बी। हाँ मैम जी बेटा, राजवंश बेटा मुझे बताओ वाई और सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Y2SO4, ठीक है, वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट बेटा, लिखो अब ये पॉलीएटॉमिक है, कीप इट इन ब्रैकेट, सल्फेट इज 2, क्रॉस करोगे तो 2 यहां और 3 ब्रैकेट के बाहर, तो ये क्या फॉर्मूला बना, Y2SO4 3, राइट? उसके बाद है कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, कौन बताएगा?
यस। नाइन्थ ए संदीप, संदीप एंड उसके बाद कामाक्षी। वेयर इज नाइन्थ ए? हाँ जी बेटा बताइए जरा जल्दी से। वाई YHCO, एच सी ओ कार्बोनेट है बेटा। सीओ, YCO, सीओ किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोनेट कार्बोनेट, का सीओ होता है। सीओ CO3, CO3, थ्री बेटा, ये थ्री इसके फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है, थ्री उसके फॉर्मूले का ही पार्ट है। तो क्या बोला आपने, क्या बनेगा? Y2CO3, वाई टू सी ओ थ्री, ओनली थ्री सी ओ थ्री एंड ब्रैकेट ते बाहर भी हाँ ब्रैकेट के अंदर भी थ्री है और एक बाहर भी थ्री है। अंदर वाला थ्री तो कार्बोनेट का पार्ट है, कार्बोनेट के फॉर्मूले का पार्ट है, और ये वाला थ्री क्रॉस करने से आएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नाइट्रेट। क्या है? वाई एंड नाइट्रेट। वाई इज थ्री, कीप इट इन ब्रैकेट। देखो नाइट्रेट में मैंने अकेला एनओ नहीं लिखा, आई एम राइटिंग थ्री अलोंग विद दिस बिकॉज दिस थ्री इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला एनओ थ्री है, एनओ नहीं। अगर एनओ लिखोगे तो ये तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, ये तो कुछ और ही चीज होती है। ठीक है, नाइट्रेट मीन्स एनओ थ्री। ठीक है, और एनओ थ्री की वैलेंसी कितनी होती है? वन। नाउ क्रॉस ये वन यहाँ, थ्री यहाँ, तो क्या फॉर्मूला बना? वाई एनओ थ्री होल थ्राइस। Is it right? तो कल का आपका होमवर्क क्या है? एक तो एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न करके आने हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 20 आपके फोर्थ चैप्टर में दिए हुए हैं। लास्ट में ओपन करोगे तो एक टेबल बना हुआ है, उसमें एटॉमिक नंबर्स गिवन है। ठीक है, लिख लो। जिसको याद नहीं रहता, क्लास खत्म होती है, जिन जिनको होमवर्क भूल जाता है कि कुछ होमवर्क मिला था, वो सब लिख लो, है ना? हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। क्लास खत्म होगी तो होमवर्क भी खत्म हो गया, इसका मतलब सब भूल जाते हैं, है ना? चलो, और उसके बाद वैलेंसी। कम से कम सारे पॉजिटिव आयन और सारे नेगेटिव आयन्स वो याद होने चाहिए। पॉलीएटॉमिक रिलैक्सेशन दे देती हूँ मैं, ठीक है? कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, राइट बेटा? तो थैंक यू टीचर्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप समझ आ गया होगा सबको। अगर कोई डाउट होगा तो टुमारो आई विल डिस्कस एंड टेक द डाउट्स। बाय एवरीवन। ये